बदायूं में डबल मर्डर का आरोपी नाई साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। खबर है कि इस वारदात में उसका भाई जावेद भी शामिल था, जिसकी तलाश पुलिस को है। जान गंवाने वाले मासूम की पहचान 6 वर्षीय हनी और 13 साल के आयुष के रूप में हुई है। वही कहा जा रहा है कि आरोपियों ने 8 साल की पीयूष को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं की बाबा कॉलोनी में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला 22 वर्षीय साजिद पेशे से नाई था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह सिविल लाइन पुलिस स्टेशन इलाके में सैलून चलाता था। कहा जा रहा है कि उसका पीड़ित परिवार के घर पर भी आना जाना था। खबर है कि वह घटना के समय भी मदद के बहाने पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था। मीडिया से बातचीत में बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की थी। उन्होंने कहा, आरोपी साजिद कल शाम करीब 7:30 बजे घर में आया था और छत पर चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। उसने 2 बच्चों पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वह नीचे आया जहां भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। उन्होंने आगे जानकारी दी, आरोपी के भाग जाने की खबर लगते ही पुलिस टीम हरकत में आ गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। एफआईआर में मृत बच्चों के परिवार ने उसके भाई जावेद का नाम भी दिया है। टीम उसकी तलाश कर रही है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने कहा, परिवार के मुताबिक आरोपी ने बच्चों के पिता से 5,000 रुपए की मदद मांगी थी। खबर है कि बीवी की डिलीवरी होने के नाम पर साजिद ने आर्थिक मदद मांगी थी। मीडिया से बातचीत में मासूम पीयूष ने बताया कि साजिद ने बगैर आवाज किए दोनों भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने बताया, मुझे भी पकड़ लिया था और उसके बाद मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि मैं दूसरों को खबर ना दे सकूं। उसने आगे कहा, टूटे कांच पर पैर लगने से हमलावर खुद ही घायल हो गया था, तब मैं बचकर भाग निकला और नीचे गया। फिलहाल इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।